प्रमाण नयैर अधिगम इत्युक्तम्। प्रमाण और नयों से अधिगम अर्थात ज्ञान होता है सम्यक दर्शन आदि और जीवादिक का, ऐसा कहा था। प्रमाणं च केषांच ज्ञानम विहितम् ज्ञानम अभिमतम्। और बौद्ध दर्शन वाले कुछ इतर संप्रदाय इतर मत वाले ये मानते हैं कि ज्ञान प्रमाण है। केषांचित सन्निकर्ष और कुछ लोग योग जिनको कहते हैं वो सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। केषांचित इंद्रियमिति और कुछ सांख्य मत वाले हैं वो इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं। अतोधिकृतानामेव मत्यादीनां प्रमाणत्व ख्यापनार्थमः। इसलिए जो इस प्रकरण में मतिश्रुत अवधि आदि पांच सम्यक ज्ञानों का नाम आया था उन्हीं के अंदर प्रमाणपना है, प्रामाणिकता है, इस बात को ख्यापनार्थम प्रकट करने के लिए आचार्य उमा स्वामी सूत्र कहते हैं तत् प्रमाणे। तत् यानी वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है जिसके पांच भेद हैं वो ही प्रमाणे, दो प्रमाण रूप है परोक्ष प्रत्यक्ष। तद वचनम के मर्थम तद ये जो सूत्र में वचन आया है क्यों आया है, प्रमाणांतर परिकल्पना निवृत्त, अन्य किसी प्रमाण की परिकल्पना छूट जाए इसलिए, माने वो सम्यक ज्ञान ही प्रमाण बाकी अन्य कुछ भी प्रमाण नहीं है। सन्निकर्ष प्रमाण इंद्रियम प्रमाण में केचित कल्पयंती, कुछ लोग सन्निकर्ष को कुछ लोग इंद्रियों को प्रमाण कल्पित करते हैं। तन निवृत्त्यर्थम तत् इति उच्यते, उनकी निवृत्ति के लिए उनका निषेध करने के लिए सूत्र में तत् ये कहा जाता है। तदेव मत्यादि प्रमाण नान्यदिति, वही मति ज्ञान आदि प्रमाण रूप है अन्य कुछ भी नहीं। अतः सन्निकर्ष प्रमाण स्थिति इंद्रिय व को दोष। अब कोई शंका करे कि सन्निकर्ष को प्रमाण मानने पर अथवा इंद्रियों के प्रमाण होने पर क्या नुकसान है, क्या दोष है, तो आचार्य कहते हैं यदि सन्निकर्ष प्रमाणम, यदि सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे, सन्निकर्ष का अर्थ होता है विषय और विषयी का संपर्क संयोग, उसको अगर प्रमाण माने तो सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टानाम अर्थानाम ग्रहण प्रसंग है, जो सूक्ष्म पदार्थ हैं इंद्रियों से ग्रहण करने में नहीं आते, फिर व्यवहित, व्यवहित यानी दीवार के उस तरफ है, अथवा जो इस काल में नहीं है लेकिन पहले थे या आगे होने वाले हैं। और विप्रकृष्ट का अर्थ होता है जो दूर है, ऐसे पदार्थों के अग्रहण का प्रसंग होगा, ऐसे पदार्थों को कोई भी ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकेगा, ये प्रसंग आ जाएगा अगर सन्निकर्ष को ही प्रमाण मानोगे तो। नहीं ते इंद्रिय ही सन्निकृष्यन्ते, अतः सर्वज्ञत्वाभाव स्यात्। सांख्य दर्शन में इंद्रियों को प्रमाण माना है और सर्वज्ञ को भी स्वीकार किया है, तो आचार्य कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा वे सूक्ष्म पदार्थ या व्यवहित पदार्थ जो बहुत समय पहले हुए हैं या आगे होंगे या फिर जो यहाँ से दूरवर्ती किसी स्थान पर पड़े हुए पदार्थ हैं, रखे हुए हैं या विद्यमान हैं, उनको इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। और इंद्रियों से अगर वो पदार्थ जानने में नहीं आए तो इंद्रियों को आपने प्रमाण माना और फिर साथ में ये भी माना कि सर्वज्ञ का ज्ञान भी इंद्रिय ज्ञान होता है, तो अगर ऐसा मानते हैं तो सर्वज्ञपने का अभाव हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियां सूक्ष्म को नहीं ग्रहण करती, व्यवहित को नहीं ग्रहण करती और विप्रकृष्ट को यानी दूरवर्ती को भी ग्रहण नहीं करती, तो सन्निकर्ष नहीं होने के कारण उनको जानना संभव नहीं रहेगा। और आप कह रहे हैं कि सर्वज्ञ होते हैं, तो सर्वज्ञ जो होते हैं वो तो सब कुछ जानने वाले होते हैं, लेकिन अगर इनको नहीं जानते सूक्ष्म को व्यवहित को और विप्रकृष्ट को, तो फिर वो सर्वज्ञ नहीं रहेंगे।
इंद्रियम अपि यदि प्रमाण, अगर इंद्रिय को ही प्रमाण मान लिया जाए सैव दोष, वही समस्या खड़ी होगी। अल्प विषयत्वात् चक्षुरादीनां, क्योंकि चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं वो अल्प विषय को ग्रहण करने वाली हैं, और जानने योग्य पदार्थ कितने होते हैं, तो ज्ञेयस्य चा परिमाणत्वात्, जानने योग्य जो वस्तुएं हैं छह द्रव्य आदि, वो तो उनका कोई परिमाण नहीं है, अपार है वो। और इंद्रियां जो ग्रहण करती है वो सीमित विषय को ग्रहण करती है, इसलिए इंद्रियों से कभी सर्वज्ञता नहीं हो सकती और इंद्रियां प्रमाण भी नहीं मानी जा सकती। सर्वेंद्रिय सन्निकर्षा भावश्च, और सब इंद्रियों के सन्निकर्ष का अभाव भी होता है, क्योंकि चार तो किसी पदार्थ को छू कर जान सकती है सन्निकर्ष से, बाकी चक्षुर मनसो प्राप्य कारित्वा भावत, आँख और मन ये दूर की वस्तुओं को जानने वाले हैं, ये छू करके जानने वाले नहीं है। आंखों से दूर कोई वस्तु होगी तो जान सकती है आंख, लेकिन आंख छू करके नहीं जानती। वैसे ही मन की स्थिति है, मन भी सबको छू करके नहीं जानता। और सन्निकर्ष में क्या होता है, छूना जरूरी है, संपर्क जरूरी है। अप्राप्य कार्य तुंच उत्तरत्र वक्षते, और चक्षु और मन का जो अप्राप्यकारीपना है वह आगे कहा जाने वाला है। यदि ज्ञानम प्रमाणम फलाभाव, यदि ज्ञान को प्रमाण मानते हो, ज्ञान को प्रमाण किन ने माना था, बौद्ध मत वालों ने, उसको अगर प्रमाण मानते हो तो फलाभाव, कोई फल नहीं निकलेगा उसका। और अधिगमो ही फलम इष्टम न भावांतरम, अब कोई कहे कि भाई जानने से जो ज्ञान से जो जानकारी मिली वही उसका फल है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। सचेत प्रमाणम, और यदि वही प्रमाण हो, न तस्य अन्यत् फलम भवितुम अर्हति, फिर फल का कोई दूसरा फल होना संभव नहीं है। फल बता च प्रमाणेन भवितव्यम, और प्रमाण को फल वाला होना चाहिए, निष्फल नहीं होना चाहिए। सन्निकर्षे इंद्रिये वा प्रमाणे सति, सन्निकर्ष और इंद्रिय को प्रमाण मानने पर, इनके प्रमाण होने पर, अधिगम फलम, जानना उसका फल है, वो अर्थांतरभूत युज्यते, वो कोई अलग वस्तु है जानना, और फिर प्रमाण जो है वो सन्निकर्ष अथवा इंद्रिय है। इति, ऐसी शंका किसी ने की है तत् अयुक्तम, आचार्य कहते हैं कि ये उचित नहीं है। यदि सन्निकर्ष प्रमाण अर्थाधिगम फलम, यदि सन्निकर्ष को प्रमाण माना और पदार्थों का ज्ञान होना उसका फल माना, तो तस्य दुष्टत्वात्, तो फिर वो दो में स्थित हो गया, और दो में स्थित होने के कारण तत्फलेनाधिगमेनापि दुष्टेन भवितव्यमिति, तो उसका जो फल है जानना वो भी दो में स्थित होना चाहिए, क्योंकि संपर्क जो होता है, सन्निकर्ष जो होता है, वो दो वस्तुओं का होता है, और उसको आपने प्रमाण माना है संपर्क को, तो संपर्क का जो फल है वो उन दोनों को मिलना चाहिए, एक को कैसे मिल सकता है। अर्थादीनाम अप्यधिगम प्राप्नोति, तो फिर जो पदार्थ जिसको जाना है उसके भी पास ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि जानना उसका फल है। जैसे इंद्रिय है और इंद्रिय के संपर्क में कोई वस्तु आई तो उसको इंद्रिय द्वारा किसी जानने वाले ने जाना, तो जानना इस सन्निकर्ष का फल हुआ, प्रमाण का फल हुआ। लेकिन अगर प्रमाण दो के संपर्क से हो रहा है और उससे वो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो फिर वो ज्ञान दोनों में होना चाहिए, उस वस्तु में भी होना चाहिए और इंद्रिय जिसके पास है, जिसके द्वारा सन्निकर्ष हो रहा है, उसमें भी होना चाहिए। आत्मनश्चेतनत्वात् तत्रैव संवायति चेत्, फिर वो कहता है कि यदि ऐसा मान ले तो कि आत्मा चेतन है, इसलिए ज्ञान का समवाय आत्मा में ही होगा, उस वस्तु में नहीं होगा जिसको जान रही है। तो आचार्य कहते हैं कि न, ऐसा नहीं है। ज्ञान स्वभावाभावे सर्वेषाम अचेतनत्वात्, ज्ञान स्वभाव का अभाव होने पर सभी अचेतन होंगे, आत्मा कहाँ से चेतन होगा। ज्ञान स्वभावाभ्युपगमो वा, ज्ञान स्वभावाभ्युपगमे वा
आत्मनस्तर ही प्रतिज्ञाहनी। और अगर तुम ये स्वीकार कर लो कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो फिर तुम्हारी जो बात है कि आत्मा ज्ञान गुण के समवाय से चेतन होता है। चेतन क्या? जानता है। मतलब ज्ञान गुण का जब तक समवाय नहीं है, तब तक तो आत्मा अचेतन रहा ना, ये स्थिति बनेगी। तो तुम्हारी प्रतिज्ञा खंडित होगी कि आत्मा चेतन है, लेकिन ज्ञान गुण के समवाय बिना वह जान नहीं सकता। ये जो तुम्हारा वचन है। अब प्रश्न ये होगा कि ज्ञान गुण का जब तक समवाय नहीं है, तब तक आत्मा चेतन है या अचेतन? तुम कह रहे हो चेतन है, तो फिर चेतन कैसे रहा? जब ज्ञान स्वभाव ही नहीं है, तो फिर चेतन कैसे रहा? यह स्थिति बनी। ननुचोक्तम, और कहा भी है, ज्ञाने प्रमाणे सति फलाभाव, ज्ञान के प्रमाण होने पर फल का अभाव हो जाता है इति। अब यहां पर यह बात पूरी होती है। नैष दोष, फिर कहते हैं कि ये जो तुम आरोप लगा रहे हो कि ज्ञान को प्रमाण मानने पर ज्ञान का क्या फल मिलेगा, बस जान लिया, तो फल अगर नहीं मिला तो फिर पहले कहा था कि प्रमाण जो भी है उसका कुछ ना कुछ फल होना चाहिए, तो कोई फल नहीं निकला ज्ञान को प्रमाण मानने पर, सिर्फ जानकारी हो गई। आचार्य कहते हैं नैष दोष, यह दोष नहीं है। क्यों? अर्थात गमे प्रीति दर्शनात्, पदार्थ को जानने के बाद प्रीति होती है, संतुष्टि होती है। ज्ञ स्वभाव से आत्मन कर्म मलिमसस्य, ज्ञान स्वभावी जो आत्मा है कर्मों से मलिन है। करणालंबनाद अर्थ निश्चय प्रीति रूप जाए, उस आत्मा को इंद्रियों के आलंबन से पदार्थों का निश्चय होने पर प्रीति उत्पन्न हो जाती है। सा फलमति उच्यते, वही उसका फल है जानने का। उपेक्षा अज्ञान नाशो वा फलम, और आचार्य कहते हैं कि अथवा ज्ञान का फल क्या होगा प्रमाण का, तो बोले उपेक्षा और अज्ञान का नाश, ये भी ज्ञान का फल है। उपेक्षा क्या वस्तु है? तो आचार्य कहते हैं राग द्वेष यो रप प्रणिधानम उपेक्षा, राग द्वेष में मन स्थिर न हो, अर्थात मन न लगे, राग द्वेष में न जाए, उसी का नाम उपेक्षा है। तो ज्ञान होने पर ये उपेक्षा भाव उत्पन्न हो जाता है। जान लिया तो अब क्या राग और क्या द्वेष, जान लिया बस हो गया। अंधकार कल्पाज्ञान भाव अज्ञान नाशो वा फलमिति उच्यते, अज्ञान के समान जो अज्ञान, अंधकार के समान जो अज्ञान है, अंधकार कल्पाज्ञान अभाव अज्ञान नाशो वा फलमिति उच्यते, उसमें क्या पार्ट है? अंधकार कल्प कल्पाज्ञान, अच्छा इसमें ज्ञान अभाव लिखा है, ठीक है। अंधकार के बराबर जो अज्ञान है उसका अभाव हो जाना, यही ज्ञान का फल है। माने अज्ञान का नाश हो जाना ज्ञान का फल है। प्रमिणोति प्रमीयते नेन प्रमिति मात्रम वा प्रमाणम, जो प्रमाणित करता है अथवा जिसके द्वारा प्रमाणित होता है कोई पदार्थ, और प्रमिति मात्र या फिर प्रमाण मात्र, उसको प्रमाण कहते हैं। किम अनेन प्रमीयते, प्रमाण द्वारा क्या प्रमित होता है, माने किसको जान लिया जाता है, किसको प्रमाणित किया जाता है? तो बोलते हैं जीवादि अर्थ, जीव आदि पदार्थ। यदि जीवादे अधिगमे प्रमाणम, यदि जीवादिक के ज्ञान में प्रमाण है, प्रमाण आदिगमे अन्य प्रमाण, जीवादिक को जानने में प्रमाण की आवश्यकता पड़ी, तो प्रमाण को जानने के लिए और किसी प्रमाण की परिकल्पयितव्यम, परिकल्पना करनी पड़ेगी। तथा सति, वैसा होने पर अनवस्था, और उस प्रमाण को जानने के लिए फिर और किसी प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, और उसको जानने के लिए और किसी प्रमाण की, ना अनवस्था प्रदीपवत। आचार्य कहते हैं कि नहीं, अनवस्था नहीं होगी, क्योंकि प्रमाण जो होता है वो प्रदीप के समान, दीपक के समान होता है। यथा घटादीनाम प्रकाशने प्रदीपो हेतु,
जिस प्रकार घड़े आदि को प्रकाशित करने में प्रदीप अर्थात दीपक हेतु है, कारण है, स्वरूप प्रकाशने सैव अपने आप को अपने स्वरूप को प्रकाशित करने में भी वही दीपक स्वयं कारण है, न प्रकाशांतर मृग्यम, किसी दूसरे दिए की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, तथा प्रमाणमपीति अवश्यम चैतद अभ्युपगंतव्यम, उसी प्रकार प्रमाण भी है ऐसा अवश्य चैतद अभ्युपगंतव्यम स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रमेयवत प्रमाण से प्रमाणांतर परिकल्पनायाम स्वाधिगमाभावत स्मृत्य भाव, प्रमेय के समान, प्रमेय यानी जानने योग्य पदार्थ, उसके समान अगर प्रमाण से प्रमाणांतर परिकल्पना, एक प्रमाण के लिए दूसरे किसी प्रमाण, प्रमेय को जानने के लिए प्रमाण चाहिए, प्रमाण को जानने के लिए अगर किसी और प्रमाण की कल्पना करोगे तो स्वाधिगमाभावत, वो प्रमाण खुद को नहीं जानता, ये बात सामने आएगी, दूसरे को ही जानता है ये बात आएगी, तो ऐसा होने पर स्मृत्य भाव, स्मृति का अभाव हो जाएगा। स्मृति का अभाव माने कि मैंने किसी को जाना था और उसको जानते समय मुझे ये भी मालूम था कि मैं जान रहा हूं, इसलिए फिर 3 दिन बाद जब मुझसे पूछा गया तो फिर मुझे याद, याद क्यों था, क्योंकि मैंने भी जाना था अपने आप को जानते हुए। तो यदि प्रमाण स्व को न जाने सिर्फ पर को ही जाने तो फिर स्मृति नहीं बन सकती, तदभावात व्यवहार लोपस जाता, और स्मृति अगर नहीं रही तो सारा व्यवहार लुप्त हो जाएगा। एक मछली होती है गोल्ड फिश, उसको 3 सेकंड याद रहते, उसके बाद वो भूल जाती है, कुछ याद नहीं रहता। तो स्मृति का अभाव होने पर कौन भाई है, कौन बहन है, सारे रिश्ते व्यक्ति भूल जाएगा, अपना घर कौन सा है, अपनी कॉलोनी कौन सी, अपना नगर कौन सा, सब भूल जाएगा। तो स्मृति से यह सिद्ध होता है कि अपने आप को भी जानते हैं प्रमाण से। वक्षमाण भेदापेक्षा द्विवचन निर्देशन, आगे कहे जाने वाले जो 2 भेद हैं ज्ञान के प्रमाण के, उसके कारण यहाँ पर सूत्र में द्विवचन का कथन किया गया है। प्रमाणे, प्रमाणम एक वचन है, प्रमाणे द्विवचन दिया है, क्योंकि प्रमाण 2 प्रकार के, वक्षते ही, क्योंकि कहेंगे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यदिति, शुरू के 2 ज्ञान परोक्ष और आगे के सब प्रत्यक्ष हैं। सच द्विवचन निर्देश है प्रमाणांतर संख्या निवृत्त्यर्थम, और वह जो द्विवचन निर्देश है वो अन्य प्रमाणों की जो संख्या बताई जाती है, कहीं पर 3 प्रमाण मानते हैं, कहीं 4, 5 ऐसे जो भी गिनती लगाते हैं, तो उसकी निवृत्ति के लिए प्रमाण 2 ही होते हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। उपमानार्थापत्यादीनाम अत्रैवान्तर्भावात्, इन्हीं 2 प्रमाणों में उपमान नाम का जो प्रमाण माना गया है अन्य दर्शनों में, जैमिनी दर्शन वालों ने उपमान नाम का प्रमाण माना है, उन्होंने 6 प्रमाण माने जैमिनी ऋषि ने, और फिर न्यायवादी जो है नैयायिक उन्होंने 4 माने हैं, सांख्य मत वालों ने 3 माने हैं, वैशेषिक और बौद्ध ने 2 प्रकार के प्रमाण माने हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष और परोक्ष ये प्रमाण जो जैनों ने माने हैं इसमें सब कुछ अंतर्भूत हो जाता है, उपमान भी आ जाता है, अर्थापत्ति भी आ जाती है, ये आदि सब जितने भी प्रमाण वो मान रहे हैं वो सब इसी में सम्मिलित हो जाते हैं। उक्तस्य पंचविधस्य ज्ञानस्य प्रमाण द्वयान्तःपातित्वे प्रतिपादिते प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाणद्वय परिकल्पना निवृत्त्यर्थमाः, प्रत्यक्षानुमानादि प्रमाणद्वय कल्पना निवृत्त्यर्थमाः, कहे हुए 5 ज्ञान का 2 प्रकार के प्रमाणों में अंतःपाती होने पर और ऐसा प्रतिपादित करने पर, प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने भी प्रमाण जो अन्य लोगों ने माने हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे जो 2 प्रमाण माने हैं, यहाँ पर प्रत्यक्ष परोक्ष और प्रत्यक्ष प्रमाण माने, वहाँ उन्होंने वैशेषिक और बौद्ध लोगों ने 2 प्रमाण माने हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान आदि जो प्रमाण माने हैं उनकी कल्पना की निवृत्ति होती है। उसके लिए अगला सूत्र है आद्य परोक्षम, शुरू के 2 परोक्ष ज्ञान, आदि शब्द प्राथम्य वचन है, आदि शब्द जो पहले इस अर्थ को प्रतिपादित करने वाला वचन है। आदौ भवमाद्यम
शुरू में होने वाला आदि कहलाता है। आद्य कथन द्वयोः प्रथमत्व, शंकाकार की शंका है कि दो कैसे शुरू में हो सकते हैं, शुरू में तो एक ही है तो दो में कैसे आपने आदिपना बता दिया। तो आचार्य कहते हैं मुख्य उपचार परिकल्पना है, मुख्य कल्पना और उपचार परिकल्पना इन दो की अपेक्षा से दो को आदि कह दिया। मतिक ज्ञानम तावन मुख्य कल्पना या प्रथम, मतिक ज्ञान तो मुख्य रूप से प्रथम है ही। श्रुतम अभी तस्य प्रत्यासत्या प्रथम उपचर्यते, श्रुत भी उसके बगल में होने के कारण, उसके निकटवर्ती होने के कारण, उसकी समीपता के कारण है, पहला है ऐसा उपचरित किया जाता है। द्विवचन निर्देश सामर्थ्या गौणस्यापि ग्रहणम, और द्विवचन का जो निर्देश किया गया आद्ये, ये द्विवचन है, आद्यमेक वचन, तो द्विवचन का निर्देश होने के कारण उसकी सामर्थ्य से गौण को भी यहां ग्रहण कर दिया। मुख्य रूप से मति ज्ञान प्रथम है, गौण रूप से श्रुत ज्ञान भी प्रथम है। आद्यंच आद्यंच आद्ये मति श्रुते इत्यर्थ है, द्वंद्व समास बना दिया। फिर तद उभयमपि परोक्षम, ये दोनों ही परोक्षम प्रमाणमिति अभिसंबध्यते, ऐसा संबंध जोड़ लेना, दोनों ज्ञान परोक्ष प्रमाण। उदोस्य परोक्षत्वम, इन दोनों में परोक्षपना कैसे, तो कहते परायत तत्वात, पराधीन होने के कारण। मति ज्ञानम इंद्रियान इंद्रिय निमित्तमिति वक्षते, मति ज्ञान जो होता है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन के निमित्त होता है ऐसा कहा जाने वाला है। और श्रुतम अनिंद्रियस्य इति च, और श्रुत अनिंद्रियस्य मन का विषय है इसलिए वो भी प्रमाण परोक्ष है। अतः इसलिए प्राणींद्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च बाह्यं निमित्तं प्रतीत्य, इसलिए पर जो इंद्रियां हैं और मन और प्रकाश और उपदेश आदि भी पर है। अब जैसे प्रकाश से किसी चीज को देखा तो ये मति ज्ञान हुआ, और उपदेश से किसी बात को समझा ये श्रुति ज्ञान हो गया, तो ये उपदेश भी पर है और फिर प्रकाश भी पर है। ऐसे बाह्यं निमित्तं प्रतीत्य, दूसरे जो बाह्य निमित्त है उनकी अपेक्षा करके, तदावरण कर्मक्षयोपशमापेक्षस्य आत्मनः, और उस मति और श्रुति ज्ञान संबंधी ज्ञानावरण के कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा जिस आत्मा में है, माने उसने क्षयोपशम किया हुआ है, ऐसी आत्मा के उत्पद्यमानम मति श्रुतम, उसमें उत्पन्न होने वाले मति और श्रुति ज्ञान जो होते हैं पराधीन होने के कारण परोक्षम इति आख्यायते, परोक्ष इस प्रकार का है कहे जाते हैं। अत उपमान आगम आदि नाम अत्रैव अंतर्भाव, इससे उपमान और आगम आदि जो प्रमाण माने गए अन्य मतों में उनका इन्हीं में अंतर्भाव हो जाता है मति और श्रुति में। अभिहित लक्षणात् परोक्षाद् इतरस्य सर्वस्य प्रत्यक्षत्व प्रतिपादनार्थ महा, कहा गया है लक्षण जिनका, ऐसे परोक्ष से जो इतर यानी भिन्न वो सारा प्रत्यक्षत्व प्रतिपादनार्थम, वो सारा जो ज्ञान है अवधि मन परे और केवल ज्ञान, उन तीनों के पास प्रत्यक्षपना है, उसको प्रतिपादित करने के लिए सूत्र कहते हैं वहां स्वामी आचार्य प्रत्यक्ष मन्यत। अन्यत माने उन दो को छोड़कर बाकी अन्य जो बचते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अक्षणोति व्यापनोति जानाति इत्यक्ष आत्मा, जो जानता है अक्षणोति व्यापनोति जानाति इति अक्ष आत्मा, व्युत्पत्ति बताइए, आत्मा अक्ष हो गया, तमेव प्राप्त क्षयोपशमम प्रक्षीणावरणम वा प्रतिनियतम प्रत्यक्षम, जो उसी से जुड़ा हुआ है आत्मा से, पर आत्मा कैसी होनी चाहिए, क्षयोपशम को प्राप्त अथवा क्षय को प्राप्त, किसके ज्ञानावरण के, ज्ञानावरण के क्षयोपशम अथवा क्षय को प्राप्त आत्मा के ही प्रतिनियत होने वाला ज्ञान यानी उसी से डायरेक्ट होने वाला ज्ञान, सीधे संबंध रखने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी उसके लिए प्रकाश या फिर किसी उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान केवल ज्ञान के लिए। अवधि दर्शनम केवल दर्शनम अपि अक्षमेव प्रतिनियतम अतस्तस्यापि ग्रहणम प्राप्नोति, फिर बोलते हैं कि प्रमाण में आप सिर्फ ज्ञान को ले रहे हो पर अवधि दर्शन और केवल दर्शन भी आत्मा के ही प्रतिनियत है, इसलिए अवधि और केवल दर्शन का भी ग्रहण यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। आचार्य कहते हैं नैष दोष है, ये दोष नहीं आ रहा है यहाँ, क्यों, ज्ञानम इति अनुवर्तते, अभी प्रसंग ज्ञान का चल रहा है तो दर्शन को कहाँ से इसमें लाओगे, तेन दर्शनस्य विदासः, इसलिए दर्शन का यहाँ पर
प्रकरण नहीं है, उसको छोड़ा गया है। एवं अपि ऐसा होने पर भी विभंग ज्ञानम अपि प्रतिनियतम अतो स्यापि ऋणम प्राप्नोति। फिर शंकाकार की शंका है कि भाई विभंग ज्ञान जो होता है, देवों के पास जो अवधिक ज्ञान होता है वो सब सम्यक दृष्टि तो होते नहीं, नरक में भी सभी जीव सम्यक दृष्टि नहीं होते, तो उनके पास तो भव प्रत्योवधिर देवनारकणम, उस भव में जाते ही साथ अवधिक ज्ञान उत्पन्न होता है, मिथ्या दृष्टि का अवधिक ज्ञान विभंग ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि का अवधिक ज्ञान होता है, तो फिर विभंग ज्ञान को भी यहां पर लेना पड़ेगा प्रत्यक्ष प्रमाण में। तो आचार्य कहते हैं कि सम्यक अधिकारात् तन्निवृत्ति, यहां पर सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है इसलिए तत् उस मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, यानी मिथ्या ज्ञान को यहां पर ग्रहण नहीं कर सकते। सम्यक इति अनुवर्तित, सम्यक इसका अनुवर्तन चालू है, क्योंकि पहला ही सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो सम्यक चला आ रहा है यहाँ पर, तेन ज्ञानम विशेषित, उससे ज्ञान भी विशेषित होगा। ततो इसलिए विभंग ज्ञान से निवृत्ति कृता, विभंग ज्ञान की तो निवृत्ति कर दी गई है। तद्धि क्योंकि वह जो विभंग ज्ञान होता है वो कैसा होता है, मिथ्या दर्शन उदयात विपरीतार्थ विषयमिति न सम्यक, मिथ्या दर्शन के उदय के कारण विपरीत पदार्थों को विषय करने वाला होता है इसलिए वो सम्यक नहीं होता। स्यान मतम, अब आपका ये भी ख्याल हो सकता है इंद्रिय व्यापार जनितम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रियों की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, लोक व्यवहार में तो इसी को बोलते ना, मैंने प्रत्यक्ष देखा, तुमने तो सिर्फ सुना है, मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है, तो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो आचार्य कहते हैं, और शंकाकार की और शंका आगे है कि व्यतीत इंद्रिय विषय व्यापारम परोक्षम, जो इंद्रियों की प्रवृत्ति के बिना कोई चीज आती है जानने में वो परोक्ष है, इत्येतद् अविस्मरणवादी लक्षणम अभ्युगन्तव्यमिति, इस प्रकार ऐसा निर्विवाद लक्षण पर प्रत्यक्ष और परोक्ष का स्वीकार कर लेना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं, अन्य मत वाला, वो ये कह रहे हैं कि जो आंखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष मानो, और जो इंद्रियों से परे होता है और फिर अपन अनुमान आदि से जान लेते वो परोक्ष है। आप क्यों प्रत्यक्ष और परोक्ष में मति श्रुत ज्ञान को ले रहे हैं और फिर प्रत्यक्ष में बाकी ज्ञानों को ले रहे हैं, तो इसके बजाय निर्विवाद लक्षण बनाओ परोक्ष और प्रत्यक्ष का। तो आचार्य कहते तदयुक्तम, ऐसा बोलना अनुचित है, क्यों, क्योंकि आप्त से प्रत्यक्ष ज्ञानाभाव प्रसंगार्थ, क्योंकि आप्त यानी जो भगवान सर्वज्ञ है उनमें फिर प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि यदि इंद्रिय निमित्तमेव ज्ञानम प्रत्यक्षमिष्यते, अगर इंद्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष माना जाता है, एवं सति ऐसा होने पर आप्तस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम न स्यात्, भगवान में प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा, क्यों, नहीं तस्य इंद्रिय पूर्वोर्थाधिगम, क्योंकि भगवान इंद्रियों से पदार्थों को थोड़ी जानते, अतः तस्यापि करण पूर्वकमेव ज्ञानम कल्पते, अगर ऐसा मानो कि नहीं भगवान भी इंद्रियों से ही सबको जानते हैं पदार्थों को जानते हैं, तो फिर तस्य असर्वज्ञत्वं स्यात्, तो वो भगवान सर्वज्ञ नहीं हो सकते, जो इंद्रियों से ही सब कुछ जानते हैं वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते, क्योंकि इंद्रियों में सीमा होती है जानने की। तस्य मानसम प्रत्यक्षम इति चेत, और अगर ये कहो कि नहीं उन भगवान के पास एक मानस प्रत्यक्ष होता है, तो मन प्रणिधान पूर्वकत्वा ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वा भावये, तो बोले कि वो मानस प्रत्यक्ष भी मन के ही आश्रय से हुआ ना, तो मन के प्रणिधान पूर्वक ध्यान पूर्वक वो ज्ञान होगा, तो उसके कारण उस ज्ञान के पास सर्वज्ञपने का अभाव होगा, क्योंकि मन की भी सीमा है। आगमतस्तत् सिद्धि रहती चेत, बोले कि नहीं हमारे शास्त्रों में तो उसकी सिद्धि बताई गई है, मानस प्रत्यक्ष माना गया है, तो फिर आचार्य कहते न, नहीं, तस्य आगम से प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वकत्वात्, जो सच्चा शास्त्र होता है आगम होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक प्रकट होता है, माने केवल ज्ञान के बाद जो भगवान बतलाते हैं वही सच्चा शास्त्र है,